हाय दोस्तों आइए देखते हैं पीपी पॉलिटिकल -पी, साइंस ऑनर्स बीए पार्ट सेकंड नोट्स आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ तो आइए देखते हैं टारगेट मिशन के साथ यूनाइटेड नेशन हम लोग पहले अगर कोई हमारा टॉपिक है जो रीसेंट न्यूज़ में है तो उसके बारे में पहले हम मेंशन करेंगे रीसेंट न्यूज़ का इंफॉर्मेशन फिर हम कुछ डायग्राम बनाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे यूएन में हम लोग बनाएंगे एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशन या फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन या अगर आपको कुछ और भी पता है डाइग्राम से रिलेटेड तो आप वो भी बना सकते हैं अब आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन द यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन नाइनटीन इट इज़ करेंटली मेड अप ऑफ वन मेंबर्स स्टेट इट मिशन एंड वर्क गाइडेड बाई परपज एंड प्रिंसिपल कंटेन इन इट्स फाउंडर चैटर एंड इम्प्लीमेंटेड बाई इट्स वेरियस ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूनाइटेड नेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी इसमें अभी 193 मेंबर्स स्टेट मेम्बर्स हैं इट एक्टिविटीज़ इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स डिलीवरिंग ह्यूमेनिटेरियन एड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ इसका कार्य है विश्व में शांति और सुरक्षा प्रदान करना द यू एन हेड इज सिचुएटेड इन मैनहेटन न्यूयॉर्क सिटी यूएन का हेडक्वार्टर मैनहेटन में स्थापित है यूएन हैव सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन एंड स्पेनिश बट वर्किंग लैंग्वेज इज इंग्लिश एंड फ्रेंच यू के छः ऑफिशियल लैंग्वेज हैं पर दो ही वर्किंग लैंग्वेज हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच यू एन फ्लैग द वाइट यू एन एम्बलम इज सुपर इम्पोज ऑन लाइट ब्लू बैकग्राउंड जब व्हाइट यूएन एन लाइट ब्लू बैकग्राउंड में सुपर हो किया जाता है तो यूएन फ्लैग बन जाता है यूनाइटेड नेशन इज करेंटली मेड अप ऑफ वन नाइन्टी थ्री कंट्रीज स्टेट, लास्ट कंट्री एडेड ऑन टू थाउजेंड इलेवन साउथ सूडान यानी कि दो हजार ग्यारह में यू एन ओ में जो लास्ट कंट्री एड हुआ था वो था दक्षिण सूडान यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर ईच ईयर हर साल चौबीस अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है द परमानेंट मेंबर इज़ रशिया यूके चाइना फ्रांस यूएसए ये पांच मेंबर हैं जो अस्थायी सदस्य हैं यू के ये पांचों कंट्रीज़ के पास वीटो पावर हैं आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन लीग ऑफ नेशन was एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनेवा स्विटरलैंड दिस वॉज फॉर्मड इन 1920 ट्वेंटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बट दिस वॉज फेल टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था उसके बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी पर यह अक्षम था शांति और सुरक्षा प्रदान करने में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड वर्ल्ड वॉर टू जो 1939 से 45 के बीच में हुआ था उसके दौरान 1942 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी द नेम यूनाइटेड नेशन क्वाइंड बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही यूज़ फर्स्ट इन द डलरेशन बाई यूनाइटेड नेशन ऑफ फर्स्ट जनवरी 1942, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये नाम यूनाइटेड नेशन पहली बार यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा बोला गया था यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945, इट्स चैटर वॉज साइंड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन जून ट्वेंटी सिक्स एंड केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन अक्टूबर ट्वेंटी फोर नाइनटीन फोटी फाइव ऑफ्टर फिफ्टी वन कंट्रीज हैज साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर छब्बीस जून उन्नीस सौ पैंतालीस में सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था और ये चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ पैतालीस में एग्जिस्टेंस में आया था जिसमें पहली बार फिफ्टी वन कंट्रीज साइंड किए थे चार्टर इसलिए हम 24 अक्टूबर को यू डे मनाते हैं मेन एम्स ऑफ यू एन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू इनकरेज इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन टू रिकोगनाइज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल पीपल टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन, टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम तो ये थे मेन एम ऑफ यू एन ऐसे ही आप लोग को पॉइंट में आंसर लिखना है the main principles of united nation it is based on the sovereign equality of all its member so all member states are required to have good faith in discharging the obligation enjoined on them all disputes of the world are to be settled peacefully all member states will eschew violence or force in settling international प्रॉब्लम नो नॉन मेंबर स्टेट विल बी अलाउड टू बी अ डेंजर और थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द यूएनओ विल नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ एनी स्टेट ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन अब आइए जानते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन द यूएन ओ हैज सिक्स मेन ऑर्गन यूएन ओ के पास छह मुख्य ऑर्गन है पहला द जनरल असेंबली दूसरा द सिक्योरिटी काउंसिल तीसरा सेक्रेटेरिएट चौथा द ट्रस्टीशिप काउंसिल पांचवा द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और छह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑल द सिक्स मेन ऑर्गन्स वर एस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी फाइव विन द यू एन वॉज फाउंडेड ये सिक्स मुख्य ऑर्गन्स 1945 में स्थापित किए गए थे तो आज का हमारा जो टॉपिक था यूनाइटेड नेशन यही कंप्लीट होता है आप लोग देख रहे होंगे कि कई जगह पर रेड पेन का यूज़ किया गया है हेडिंग में वो केवल हाईलाइट के पर्पज़ से किया गया है आप लोगों को एग्ज़ाम पेपर पे केवल ब्लू पेन का ही यूज़ करना है अगर आप लोगों को सिक्स मेन ऑर्गन्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं थैंक यू वेरी मच और अगर आपको किसी और टॉपिक सिलेबस या क्वेश्चन बैंक रिलेटेड वीडियो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं टारगेट मिशन इज ऑलवेज विथ यू ऑल